ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन देखकर नीतू कपूर और रणबीर कपूर अपने आंसू नहीं रोक पाए। अपने एक्सप्रेशन को बताते हुए काफ़ी इमोशनल हुए कि उनको लास्ट बार इस तरीके से बड़े पर्दे पर देखा है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फेमस एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने पर ऋषि कपूर के निधन के बाद ये आखिरी फिल्म है जो नीतू कपूर और रणवीर ने साथ में देखा। शूटिंग ख़त्म होते ही फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें कपूर फैमिली साथ आई थी और ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म देखकर पूरा परिवार ही इमोशनल हो गया। डायरेक्टर हितेश भाटिया ने नीतू कपूर और रणवीर कपूर के रिएक्शन के बारे में बताया जिसमें शर्मा जी नमकीन के स्पेशल स्क्रीनिंग में देखी गई थी। दोनों काफ़ी इमोशनल हो गए। इनके अलावा भी उनके फैमिली मेम्बर जो आए थे उन्होंने भी काफ़ी तारीफ करी मूवी के लिए। कहा कि ये उनको लास्ट टाइम हम बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, हम सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी में जूही चावला का भी स्पेशल रोल है। हितेश भाटिया ने बताया, जूही जी और ऋषि जी को दिमाग में रखकर ही मैंने ये मूवी लिखा है। ऋषि कपूर के निधन के बाद ये उनकी आखिरी फिल्म है जो रिलीज़ हो रही है। फैंस को इसका बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे फैंस हैं जो ऋषि जी को बहुत ही पसंद करते हैं। और शर्मा जी नमकीन एक घरेलू मूवी है जिसमें लोगों को इमोशनली और अपने टच में लिया गया है। इस मूवी में रणवीर का रिएक्शन था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मेरे साथ ही है, हम तीनों इस मूवी को इंजॉय कर रहे हैं। मूवी में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पापा हमारे साथ नहीं है। हम आज भी उनको काफ़ी मिस करते हैं, उनके फैंस भी उनको काफ़ी मिस करते हैं। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।